दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के उपभोक्ताओं को एक नया टैरिफ सिस्टम जून माह से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका महसूस हो सकता है। बिजली बिल का एक नया टैरिफ इस बार तय समय से 1 अप्रैल से लागू नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव के कारण चुनाव के नतीजे आने के बाद जून माह से एक नया टैरिफ सिस्टम लागू होगा और इसकी तैयारी बिजली कंपनी ने कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक इसके पहले भी वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के कारण जून और 2021 में अगस्त में एक नया टैरिफ सिस्टम जारी हुआ था। नए टैरिफ के लिए मार्च में जनसुनवाई हो चुकी है। सारी प्रक्रिया पूरी करने का काम नियामक आयोग में चल रहा है। प्रदेश में तकरीबन 50 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी बड़ी राहत की बात यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नए सत्र में महंगी बिजली का झटका नहीं लगेगा। बाकी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल की एक नई दर बढ़नी तय मानी जा रही है, जिसकी वजह से जो बाकी उपभोक्ता हैं इनको एक तगड़ा झटका लग सकता है। पावर कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को भेजे गए लेखा जोखा में नए सत्र में 3600 करोड़ के फायदे का उल्लेख किया है, लेकिन पुराना घाटा 7775 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए घरेलू वर्ग को छोड़कर बाकी वर्ग का टैरिफ बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से बिजली बिल में वृद्धि देखने को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से लेकर पांचवी तक की पढ़ाई होगी, जिसके अंतर्गत साहित्यकारों और लोक कथाकारों की मदद से एक नया सिलेबस बनेगा, जिसमें सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुंडुक भाषा में भी कोर्सेज का संचालन छत्तीसगढ़ में अब होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जल्दी छत्तीसगढ़ी भाषा में पहली से लेकर के पांचवी तक की कक्षा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसकी सिलेबस को तैयार कर चुकी है। वहीं सरकार के आदेश को लेकर मूल चिन्हारी छत्तीसगढ़ मंच के प्रांतीय संयोजक नंद किशोर शुक्ला ने कहा है कि आदेश स्पष्ट नहीं है, शिक्षा विभाग स्पष्ट आदेश जारी करे। छत्तीसगढ़ी में कोर्सेज को लेकर साहित्यकारों, लोक कथाकारों, लोक गीतकारों और शिल्पकारों, साथ ही लोक संगीतकारों, लोक नर्तकों, कथा कहानी गीत नाटकों की प्रस्तुतकर्ता और संकलनकर्ता से इसके लिए मदद ली जाएगी। साथ ही ऐसे वरिष्ठ नागरिक और शिक्षक जिन्हें छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में रुचि हो उनका भी सहयोग लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ी साहित्य का संकलन कर चयनित सामग्री का इस्तेमाल करके प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने में इसका उपयोग किया जाएगा। इस काम के लिए विकास खंडवार साहित्यकारों, लोक कथाकारों और कलाकारों की एक नई सूची बनाई जाएगी, जिसमें छत्तीसगढ़ी सरगुजिहा, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुंडुक में कोर्स जो है बनने जा रहा है। और अब खबर रायपुर से, जहां बीते 24 घंटे के अंतर्गत 4 आगजनी की घटनाएं हो गई, जिनमें रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में सदर बाजार के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। रायपुर में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो आग लगने की 4 घटनाएं रिपोर्ट की गई, जिनमें पहला सदर बाजार में चलती कार में अचानक से आग लग गई, दूसरी घटना तेलीबांधा मरीन ड्राइव के पास एक बिजली के खंभे में आग लगने से हुई, तीसरी घटना 4 से 5 मई की दरमियानी रात 3 बजे की है, जिसमें सड्डू में 3 गुमटी दुकानें जल करके भीषण खाक हो गई। इसके बाद चौथी घटना 5 मई को रात 9 बजे के रेलवे स्टेशन की बात बताई जा रही है, जहां वेटिंग रूम के एयर कंडीशनर में आग लग गई थी, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर ने काबू पा लिया। वहीं रायपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कपड़ा कारोबारी संतोष माखीजा अपनी पत्नी के साथ कार से सदर बाजार के किसी काम गए हुए थे। काम निपटाकर वे घर जाने के लिए निकल रहे थे, जब ही कुछ ही दूर आगे बढ़ने के बाद कार से अचानक से तेजी से धुआं उठने लगा और देखते ही देखते पूरी तरह ये कार जल करके खाक हो गई। और अब खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से, जहां नीट की परीक्षा में एक बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। पहले बच्चों को गलत प्रश्न पत्र बांटा गया और फिर 45 मिनट बाद इनको बदल कर दिया गया। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। जिले में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी कि नीट यूजी 2024 की परीक्षा के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां परीक्षा के दौरान पहले गलत एग्जाम पेपर बांटकर छात्र छात्राओं को कंफ्यूज किया गया, फिर 45 मिनट बाद अन्य परीक्षा प्रश्न पत्र को भरने के बाद उसे कैंसिल कर दोबारा पत्र भरने को कहा गया। इसके बाद एक्स्ट्रा समय देने की बात कही और समय भी नहीं दिया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद जब इस बात की खबर बच्चों के परिजनों को लगी तो उन्होंने परीक्षा केंद्रों में जमकर हंगामा खड़ा किया। बता दें कि देश में नीट की परीक्षा मेडिकल क्षेत्र की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। इसके लिए इस साल पहली बार जो है बालोद जिले में 2 केंद्र बनाए गए थे, इनमें से गवर्नमेंट आदर्श हाई स्कूल में बनाए गए केंद्रों में ये लापरवाही देखने को मिली है। परीक्षा हॉल से निकले बच्चों ने शिक्षकों के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हड्डियां टूट जाती हैं पढ़ाई करते करते, पैसे खर्च हो जाते हैं, सुबह 3:30 बजे से पढ़ते हैं, उसके बाद यहां इस तरह का रवैया अपनाया जाता है, जिससे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
और अब खबर कोरबा से, जहां कोरबा के 9 गांवों के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कोरबा में कोयला खदान के लिए जमीन ले ली गई, लेकिन ना ही इनको नौकरी दी गई और ना ही इनको मुआवजा दिया गया। कोरबा जिले के 9 गांवों के भू विस्थापितों ने 7 मई को मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दरअसल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीन को कोयला खदान संचालित करने के लिए अधिग्रहित तो किया, लेकिन वायदे के मुताबिक उन्हें नौकरी और ना ही मुआवजा दिया गया। गाँव वालों ने अधिकारियों के काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ना तो उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा मिला और ना ही नौकरी। और अब 9 गांवों के नाराज भू विस्थापितों ने चुनाव बहिष्कार करने का ऐलान भी कर दिया है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कुसमुंडा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 9 गांवों के भू विस्थापितों ने बैठक कर ये फैसला किया है। पाली पर्णिया के आयोजित इस बैठक खदान के कारण प्रभावित हुए जटराज, सोनपुरी, खोटरी, आमगांव, साथ ही खैर भावना, साथ ही कनवेरी और रिस्ती दुर्पा के लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में इस बात को लेकर नाराजगी जताई गई कि देश के लिए कोयला की जरूरत की बात कर उनकी जमीन की नाम मात्र राशि में ले ली गई और उन्हें नौकरी और भू विस्थापन का लाभ अन्य लाभ जो है नहीं दिया गया। खबर बिलासपुर से, जहां 18,000 जगमगाते दियों से मतदान का संदेश दिया गया। बिलासपुर में मतदाता जागरूकता के लिए दीपदान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां दीपों की श्रृंखला से हैप्पी स्ट्रीट को पूरी तरह जगमग कर दिया गया। बिलासपुर शहर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने बीती शाम को हैप्पी स्ट्रीट में दीपदान संघ महा मतदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 18,000 दीपों की श्रृंखला से हैप्पी स्ट्रीट जगमगा उठा। दीपों से चुनाव का पर्व, देश का गर्व और शत प्रतिशत दान जैसी आकृति बनाई गई। श्रम विभाग द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में शहरवासी उत्साह और खुशी के साथ सम्मिलित हुए। पूरा मामला लोकसभा चुनाव में अधिकाधिक मतदान को लेकर स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिनमें जिले के मतदान का शत प्रतिशत मतदान बढ़ाने का हर वर्ग अपनी सहभागिता निभाने को लेकर अपील की गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने इस आयोजन को लेकर श्रम विभाग, NSS और अन्य लोगों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। चुनावी प्रचार प्रसार थमने के अंतिम दिन के पहले दुर्ग में भूपेश बघेल ने कुल मिलाकर 15 चुनावी जनसभाएं धर तरीके से आयोजित करी, जिसमें महिलाओं को 1,00,000 रुपए कांग्रेस की सरकार बनने पर देने के वायदे को एक बार फिर से इन्होंने उजागर किया। महंगाई बढ़ी, GST लगा, पेट्रोल बढ़ा, पब्लिक बोली साएं, ये बातें इन्होंने दुर्ग में कही। दरअसल 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए बीते दिन जो है चुनाव प्रचार प्रसार थम गया, जिसमें अंतिम 2 दिनों के अंतर्गत भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग लोकसभा के लिए मोर्चा संभालते नजर आए और इस दौरान भूपेश बघेल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र की याद दिलाते हुए कहा कि राजेंद्र साहू को जिताइए, अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए सरकार देगी। 4 मई को उन्होंने दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी राजेंद्र साहू को विजय दिलाने के जन समर्थन की डिमांड की। इसके लिए उन्होंने एक ही दिन में 15 अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उनकी सभा में काफी भीड़ भी देखने को मिली, महिलाओं की संख्या काफी अधिक नजर आई। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र साहू के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने चुनावी जनसभा के जन समर्थन की मांग की। भूपेश बघेल की चुनावी जनसभा में जमकर साएं साएं का नारा चला और इस दौरान भूपेश बोलते गए, महंगाई बढ़ी, रजिस्ट्री बढ़ी, GST लगा, पेट्रोल बढ़ा और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने साए साए का नारा लगाया। छत्तीसगढ़ के जंगलों में 2 दिन के अंतर्गत 734 अग्नि हादसे नजर आ रहे हैं। जलावन विभाग ने नशेड़ी और असामाजिक तत्वों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जन जागरूकता अभियान को चलाने की बात भी इन्होंने कही। मई महीने के भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ के जंगलें भी धधक रही हैं। प्रदेश के जंगलों में बीते 2 दिनों के अंतर्गत आग लगने की कुल मिलाकर 734 घटनाएं हुई हैं, जहां पिछले 5 महीने में यहां के जंगलों में 14,000 से ज्यादा जगहों पर आग लगी हुई है। वन विभाग के अधिकारी आग लगने की वजह नशेड़ी और असामाजिक तत्वों को करार दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जंगलों में आग की एक बड़ी वजह यही है। इसके अलावा जंगल घूमने पहुंच रहे पर्यटकों की जलती सिगरेट भी आग लगने की घटनाओं को लगातार बढ़ोतरी कर रही है। विभाग के अधिकारी इसे लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। इसे समाज प्रमुखों को भी जोड़ा जाएगा, वे अपने समाज के लोगों से जंगलों की आग न लगाने की अपील करने की बात करेंगे।
राधिका खेड़ा ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। छत्तीसगढ़ में पार्टी नेताओं से लगातार विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी। दीपक बैज ने कहा कि रिपोर्ट भेज दी है, AICC इस पर फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय नेताओं से की बदसलूकी से नाराज होकर राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से त्याग दे रही हूं, अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हां, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। अपने और अपने देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। दरअसल राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार विवाद हुआ था, जिसका मामला मंगलवार को बताया जा रहा है, जब मीडिया में बयान देने को लेकर दोनों नेताओं में विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राधिका खेड़ा स्थानीय नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ मौजूद थी। विवाद तभी हुआ, अटकलें हैं कि राधिका भाजपा ज्वाइन कर सकती हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे 9 और 10 मई को आएंगे, या फिर जो है दोनों में से एक दिन आ सकते हैं। 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद यहां पर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 9 या 10 मई को घोषित करने का ऐलान कर दिया है। दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब नतीजे घोषित होने के इंतजार है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोनों परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तय समय से पहले ही पूरा कर लिया है। कोशिश है कि रोके गए जो के प्रकरणों की संख्या कम से कम हो। इसके अलावा टॉपर बच्चों के अंकों का पुनर्मिलान किया जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कतें ना हो। प्रदेश की लोकसभा की बची हुई 7 सीटों के लिए मतदान 7 मई को होगा और इसके बाद ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के नतीजे बाकी साल की तरह एक साथ 9 या 10 मई को घोषित कर दिए जाएंगे और नतीजों के साथ साथ परीक्षाओं के टॉप 10 की सूची भी जारी कर दी जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई, जहां SMS-3 में लैडर पंचर होने की वजह से भीषण हादसा हुआ। CISF ने सुरक्षा घेरा बनाकर के मोर्चा संभाला। भिलाई स्टील प्लांट के SMS-3 में बीती देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलते ही भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी मौके पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियों से आग बुझाया गया और इसके बाद कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्लांट के SMS-3 में 4 या 5 मई को देर रात 1 बजे काम चल रहा था और इसी दौरान अचानक से वहां लगे लैडर में पंचर हो गया, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। आग लगते ही मजदूर वहां से भाग खड़े हुए। मौके पर मजदूर अधिकारियों ने कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी और सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया, जिसकी वजह से ये आग पर काबू पाया गया। और अब छत्तीसगढ़ में सेंट्रल GST की टीम ने छापा मारा है, बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां फर्जी बिलिंग करके 71 करोड़ की टैक्स चोरी करने को सातिर को यहां पर GST की टीम ने पकड़ा है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग 6 फर्मों के जरिए 31 करोड़ 38 लाख रुपए का ITC लाभ लेने वाला आरोपित सर्वेस कुमार पांडे को GST टीम ने पकड़ लिया है। GST अधिकारियों ने CGST अधिनियम के अंतर्गत ये गिरफ्तारी कार्यवाही की है। बीते दिन इसको अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मालूम हो कि GST टीम ने पिछले महीने 13 फर्जी फर्मों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था, जिसमें गिरफ्तार किए गए आरोपित हेमंत कसेरा से मिले इनपुट के आधार पर ही ये कार्यवाही हुई है। GST आयुक्त मोहम्मद अबू सामा ने बताया कि आरोपित हेमंत कसेरा द्वारा संचालित फर्मों के द्वारा बड़ी मात्रा में रायपुर स्थित त्रिवेणी मेटा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और त्रिवेणी एंटरप्राइजेस को दी गई थी। जांच के दौरान पता चला कि इन 2 फर्मों के साथ ही 4 अन्य फर्मों को भी आरोपित सर्वेश कुमार पांडे द्वारा प्रतिबंधित और नियंत्रित किया जाता रहा है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप में भाजपा घेरती नजर आ रही है। भाजपा के इस दिग्गज मंत्री पर जो है सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लग रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दे का बनाकर सत्ता में आई भाजपा सरकार अब खुद भ्रष्टाचार के आरोपों से दो चार होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार के मंत्री रहे और साथ ही रायपुर से BJP के प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि ब्रजमोहन अग्रवाल की पत्नी ने झलकी में जल संसाधन विभाग की जमीन गलत तरीके से कब्जे करके रिसॉर्ट बनाए हैं।
दंतेवाड़ा में नक्सली संगठन को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां 35 नक्सलियों ने एसपी के सामने अपना सरेंडर जो है सौंप दिया है। दरअसल छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को एक तगड़ा झटका लगा है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ अफसरों के सामने 35 नक्सलियों ने अपना सरेंडर किया है। नक्सली भी शामिल हैं। मुख्यधारा में लौटने वाले इन सभी नक्सलियों का अफसरों ने जो है स्वागत किया है। सभी आत्मसमर्पित नक्सली भैरमगढ़ एरिया कमेटी, मलंगीर एरिया कमेटी और कटे कल्याण एरिया कमेटी में नक्सलियों के संगठन से जुड़े हुए थे।